छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम दनगढ़, जहां ऐसी एक मजदूर किसान बनकर खेती कर रहा है और परिवार चला रहा है। सरकारी खाद से मुक्त होकर कंपोस्ट खाद बनाकर कैसे खेती में अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, ऐसे किसान से हम मिलते हैं। मैं हूँ एक गरीब किसान लड़का हूँ और खेती तो मोर पूर्वज करत आत रही से मोर दाई बाप मन है तो महू हा करत रहे हूँ, पर स्थिति कुछ गंभीर रही से तो मैं बाहर कमाए चल रहे हूँ हैदराबाद। तो वो तरफ में हाँ गया तो देखे हूँ बहुत अच्छा से फूल फल मक्का बाजरा ये सब तो कमाया बहुत दिन ले, ओकर बाद में फिर वापस आयो तो क्यों ना मैं सोचे हूँ कि भाई ये धान खाली उगा थो तो क्यों ना मैं भुट्टा उगा लूँ ऐसा करके। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं गोबर खाद बनाऊँ, फिर गोबर खाद बनाना चालू किया। तो मैं 3 गड्ढे गोबर का खाद बनाता हूँ, जो कि एक अभी जैसा ये सामने में है पेड़ा है और ये आम का जो पत्ती है, अब इसी को पूरा डालकर इसमें गोबर का पानी छिड़कते हैं, फिर और दूसरा पत्ती डालते हैं, फिर गोबर जब गड्ढा भर जाता है फिर उसको बंद कर देते हैं, फिर एक माह पूरा बंद रहने के बाद उसमें से हमको खाद बना या ना बना ऐसा करके पता लगाने के लिए हम लोहे का सलाख को डालते हैं, जिसमें लोहे का सलाख से हमें पता चल जाता है। 96 डिसमिल में मैं डबल फसल लेता हूं और बढ़िया से अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। गांव के लोग बोलते हैं कि आप वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर रहे हैं ऐसा करके, तो मैं भी बोलता हूं कि आप आइए देखिए कि पौधा कैसे तैयार किया जाता है, खाद कैसे बनाया जाता है ऐसा करके। मैं गांव वाले मेरे किसान भाइयों को मैं खुद बोलता हूँ, अभी 1 साल में इसमें धान का उत्पादन मैंने गोबर खाद के जरिए से 45 कट्टा तक उत्पादन कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि कम जमीन में भी अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।